हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो हम लोग बिहार एसएससी एग्जाम्स के लिए, ठीक है दोस्तों, टॉप जो है कि 80 प्रश्नों का रिवीजन बहुत कम समय में और बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कम समय में बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर एक आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग बिना देर के उन प्रश्न की शुरुआत करते हैं, जो कि सवाल नंबर स्क्रीन पर एक आ चुका है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा पूरा देखें दोस्तों, क्योंकि समय कम है और बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर एक है, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, स्थान क्षेत्र भारतीय घुड़सर, ठीक है दोस्तों, घुड़खर का प्राकृतिक आवास है। ऑप्शन जो है कि इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लघु कक्षरण। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको SGSY के नाम से जानते हैं, वर्ष खाली स्थान में शुरू की गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन जो है कि इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1999 में। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, सालार, ठीक है दोस्तों, सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला सवाल है, स्क्रीन पे आपके सामने, चाणक्य खाली स्थान किस शासन काल में प्रधान अमात्य थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से, ठीक है, कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने है, प्रकाश पादुकोण, कुलदीप यादव, रोहन बोपन्ना, ठीक है, पुलेला गोपीचंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि बी, यानी रोहन बोपन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी ही, यानी अपनी सहमति प्रदान, ठीक है, देना अनिवार्य कर दिया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन जो है कि इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी, यानी 42वें संशोधन अधिनियम 1971। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके सामने, बाल न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 की, ठीक है, किस बात की अनुमति देता है। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 16 से 18 वर्ष की आयु वाले, ठीक है, किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, माफ कीजिएगा, बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा खाली स्थान बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजार, ठीक है, बाजारों से निर्गत किए जाते हैं। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मसाला। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है अजी लामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन देशों में ने नवंबर 2020 में अटल, ठीक है, इनोवेशन मिशन सीरियस, ठीक है, इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 यानी 3.0 की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और रूस, ऑप्शन नंबर जो कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक, यानी राजनीति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि टोंडा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि चीन, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी
रही थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, शिमला, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो है कि रेखिक संवेग के संरक्षण नियम पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके सामने खाली स्थान उद्यम एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीदकर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। तो ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाणिज्य, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है कि बीजांड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ पर स्थापित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना जिनकी मृत्यु नवंबर 2020 में हुई थी, ठीक है, के नेतृत्व में उनके देश अर्जेंटीना ने खाली स्थान में फीफा विश्व कप खिताब जीता था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शंस हैं 1982, 1994, 1990 या 1986। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1986, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा नियम क्या यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल की समानुपाती होता है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑप्शन नंबर। अगला सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार खाली स्थान वर्ष और सबसे मतलब उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ और पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिए हुए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री निकायों और समुद्र में खाली स्थान पानी होता है, ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि खारा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS जिसको बोला जाता है की अनुशंसा खाली स्थान से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, दस्त यानी डायरिया जिसको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, 1756 ईस्वी में सिराज उद दौला सिर्फ, ठीक है दोस्तों, सिराज उद दौला के खाली स्थान के बाद बंगाल के नवाब बने थे, यानी कौन बने थे दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अली वर्दी खान, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जिसको PMEGB बोलते हैं में व्यवसाय सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत, ठीक है, कितनी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 10 लाख, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1 दिसंबर, ऑप्शन नंबर जो कि सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 को, खाली स्थान एक खोखली लौकी में, ठीक है दोस्तों, बांस के दो छोटे पाइप लगाकर बनाए गए एक सुधीर वाघ यंत्र है जिसे ज्यादातर स्पेरा द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विन, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस
की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलासी की लड़ाई, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है स्क्रीन पे आपके सामने, भारतीय दंड ठीक है संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से ठीक है दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना जो खालिस्तान तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, या इन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर बी यानी 10, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश के से बाहर जाने को खाली स्थान कहा जाता है। तो दोस्तों इसे जो है कि ठीक है प्रवास या माइग्रेशन भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है स्क्रीन पे आपके सामने, खाली स्थान और तराप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर ठीक है बहती हैं, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है यानी सी और नर्मदा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल के बाहर निम्नलिखित में से ठीक हो ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है एक्सोप्लैनेट, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय के वर्ग में आता है। दोस्तों तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी निम्न मध्य आय ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 35 लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है स्कूप, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन जो कि इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खालिस्तान राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है जो कि राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है पुरातात्विक स्थल खालिस्तान में जमीनी खुदाई में सीढ़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर जो है बुर्ज होम यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुल्लम के लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों तो यह जो है कि ठीक है मिजोरम राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला सवाल है वेटी खालिस्तान शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था। ठीक है दोस्तों यानी टैक्स था। तो ऑप्शंस किस प्रकार आपके सामने दिए हुए हैं, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा चोल। ठीक है ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, अरुणाचल प्रदेश ठीक है अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले के सीमावर्ती गांव कीबीथू में ठीक है वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन इस प्रकार है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, अजीत डोभाल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ठीक है वो होगा अमित शाह, ऑप्शन नंबर जो है कि सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य है ठीक है कौन सा राज्य यहाँ पर आना चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश सरकार ठीक है 13 से 15 अप्रैल 2023 तक 3 दिवसीय बैसाखी ठीक है महोत्सव 2023 का आयोजन करेगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है सांख्यिकी के
यानी सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है जिसे अक्सर सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्री राधा कृष्ण, ऑप्शन नंबर जो है कि ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीनतम ठीक है बाघ जनगणना डेटा जारी किया है जो दर्शाता है कि 2018 में ठीक है 2967 से 4 वर्षों में देश की ठीक है बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है। ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बंगाल यानी माफ कीजिएगा बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड जिसको बीपीडीपी बोला जाता है को अडानी पावर के गोंडा प्लांट से 450 मेगावाट बिजली मिली है, गोंडा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है यह जो है कि झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा एलेक्सेंड्रा क्रूफोर्ड। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यो जो कि वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ और पूर्व न्यायाधीश मोहम्मद शहाबुद्दीन चुपू ने किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 48, निम्नलिखित में से कौन सा वैकुलर स्थित निगम ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में अपना पहला उत्पादन ठीक है संयंत्र खोलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों सीगा माफ कीजिएगा जाइपेक्स इसका नाम है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 25 अप्रैल को किस शहर ने एक अद्वितीय खगोलीय घटना का अनुभव किया है क्योंकि इसकी जो छाया है सतह से गायब हो गई थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ठीक है बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 का विषय क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है त्वरित नवाचार और रचनात्मकता महिला और आईपी। ठीक है ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, खाली स्थान में कमी लगना लाने के लिए भारत और फ्रांस ने ठीक है मोबिलाइज या CTMYC जिसको बोला जाता है कि कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस सी जो जिसको GHC यानी GHG माफ कीजिएगा उत्सर्जन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, यानी संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है जो है कि जस्ता, ऑप्शन नंबर जो है कि बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व की प्रत्येक यानी उस तत्व की प्रत्येक परमाणु संख्या नाभिक में मौजूद खाली स्थान संख्या की बराबर होती है। दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती हैं। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर यानी टोल इसको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक भूगोल की ठीक है दोस्तों कौन सी शाखा स्थलाकृतियों उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रतिक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो है किस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भू आकृति विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा अलहो धात्विक खनिज नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी वन ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा अभ्रक, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? ऑप्शन जो है इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे ऑप्शन के रूप में बिल्कुल देख सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा उसका जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन बम, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से जो है कि ठीक है स्कर्वी रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, उर्वरकों के पैक में यानी पैक पर मुद्रित अक्षर NPK जिसको बोला जाता है क्या दर्शाते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को ठीक है स्वर्थ रखता है? ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामेबल ठीक है रीड ओनली मेमोरी ठीक है का संक्षिप्त रूप क्या होता है? ऑप्शन जो है कि दिया हुआ है, अगर इंग्लिश में यहाँ पे देखेंगे तो क्लियर हो पाएगा, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ठीक है PROM हो जाएगा, ठीक है PROM यहाँ पे देख सकते हैं, पी से हो जाएगा प्रोग्रामेबल, ठीक है दोस्तों, ठीक है उसके बाद आर से होगा रेड, और उसके बाद ओ से हो जाएगा ठीक है यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा ओनली और MC मेमोरी, ठीक है ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स्ट, उत्पादकता यानी उत्पादन हेतु कच्चा माल और जो कि नगदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? ऑप्शन किस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यशील पूंजी, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को खाली स्थान कहा जाता है? तो दोस्तों इसे जो है कि स्वपोषी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पे आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? ठीक है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PDA, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जब विद्युत उत्पादन। ठीक है, अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने, ठीक है, दंत क्षय खाली स्थान का क्या अर्थ है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ठीक है दांतों का सड़ना, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने, उस पुनरावृत्ति परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है प्रतिध्वनि, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप खाली स्थान क्या कहलाते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारामंडल, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि डी विल बी करेक्ट आंसर, इन सिलिकॉन जिसको बोला जाता है। अगला सवाल है, विशिष्टता द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? ठीक है, तो दोस्तों इसके जो संस्थापक थे रामानुजाचार्य जी थे, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है मोटा जोआ, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चट्टान में नल यानी नत वलन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे जो है कि ठीक है पाक जो है कि अमीनाव कहा जाता है, अमिनती कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर।
ठीक है दोस्तों, नाम थोड़ा अजीब है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने। निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, यह जो है कि जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो दोस्तों इनका जो मूल नाम है, ठीक है दोस्तों, वर्धमान है, ऑप्शन नंबर जो है कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गगन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शंस के रूप में इस प्रकार आपके सामने, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्मिंघम, ठीक है दोस्तों, बर्मिंघम जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? ठीक है, तो ऑप्शन जो है कि इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि सी विल बी करेक्ट आंसर, यानी जो कि प्रीटोरिया इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, ठीक है दोस्तों, साथ ई परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन के रूप में इस प्रकार दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि सी विल बी करेक्ट आंसर, शिक्षा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरफ मैंने बिहार SSC के एग्जाम्स के लिए, ठीक है दोस्तों, कम समय में बेहतरीन तरीके से तैयारी के लिए आज के वीडियो में टोटली जो है कि 81 प्रश्न प्रोवाइड कराए। आई होप कि वीडियो जरूर पसंद आया होगा दोस्तों, दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। और दोस्तों सभी वीडियो का, जो भी जिन छात्रों का वीडियो जो सेट प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं, हमारे लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।